ਇਸਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਜਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਕੜਵਾਇਆ ਸੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ प्रशासन ने अपने तरीके से उनसे बातचीत करके एक रिटर्न का उनका एग्रीमेंट है कि हम अपना जो प्रदर्शन करेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे इसमें नारे बोलने की छूट उनको है झंडी दिखाने काली झंडी दिखाने की छूट है लेकिन किसी का रास्ता रोकना या किसी के काम में व्यवधान डालना ये उसमें कहीं नहीं है देखिए अब ये लोकप्रियता किसकी कितनी है ये तो एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर ना कुछ आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता ना कोई और अगर कहना शुरू करेंगे तो विवाद के घेरे में फंसेंगे 1% से लेकर 99% तक कोई कुछ भी कहेगा तो इसलिए लोकप्रियता का पैमाना तो होता है कि जब जनमत संग्रह होता है किसी पर यानी चुनाव होते हैं चुनाव के समय कब क्या होता है कैसे होता है ये चीज़ें सामने जब आएंगी तो आपके सामने भी आएंगी हमारे सामने भी आएंगी जहाँ तक विषय है करनाल वाली घटना का तो घटना जो हुई में आप लोगों ने सारे उसके विजुअल्स ये सब देखे हैं और एक उसमें ऑडियो भी आपने सुनी है मैंने भी सुनी है तो सुने हुए आधार पर मैं कह सकता हूँ पहली बात तो ये कह सकता हूँ कि वहाँ एक पार्टी की हमारी मीटिंग थी प्रदेश स्तर की जिसमें सभी MLA बुलाए थे सभी मंत्री बुलाए थे सांसद बुलाए थे मैं भी वहाँ था हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी थे लगभग वो 200 लोगों की एक मीटिंग थी और प्री अरेंज मीटिंग थी एकदम तो वो गए नहीं हैं लेकिन ये जो विरोध करने एक दिन पहले योजना बनाई कि हम ये मीटिंग नहीं होने देंगे हम इस मीटिंग का विरोध करेंगे पहली बात तो इसी में है कि हमारे देश में संवैधानिक तरीके से जो लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए वो लोकतंत्र की व्यवस्था सबको पालन करना चाहिए और प्रशासन को शासन को उस लोकतंत्र की व्यवस्था को बहाल करना उनकी जिम्मेवारी होती है तो आखिर कोई विरोध करेगा हमारी मीटिंग का तो उसको क्या अधिकार है कोई अधिकार नहीं है बल्कि एक महीना भर पहले दो जगह पर तो ये समझौता हुआ यानी इन आंदोलनकारियों के और प्रशासन के बीच में हम कहीं नहीं थे लेकिन प्रशासन ने अपने तरीके से उनसे बातचीत करके एक रिटर्न का उनका एग्रीमेंट है कि हम अपना जो प्रदर्शन करेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे इसमें नारे बोलने की छूट उनको है झंडी दिखाने काली झंडी दिखाने की छूट है लेकिन किसी का रास्ता रोकना या किसी के काम में व्यवधान डालना ये उसमें कहीं नहीं है ये एक समझौता हो चुका था उसके बाद भी लगातार कर ही रहे हैं 1-1.5 महीने से इसके बाद ये घटना होना कि हम किसी को जाने नहीं देंगे वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया काले झंडे दिखाए को रोकना फिर बीच में सिरसा में घटना हुई जब डिप्टी स्पीकर की गाड़ी को तोड़ा गया ये लोकतंत्र के विरोध में है लोकतंत्र की सुरक्षा करना शासन प्रशासन गवर्नर सबका काम है तो वहाँ पर सब आदेश दिए जाते हैं सुरक्षा एजेंसियों को भी और जिनके जिम्मे काम होता कि यहाँ कोई भी आदमी आना जाए आना नहीं चाहिए उसको हर तरीके से रोकना है अब वो जो वीडियो ऑडियो सुनी है उसमें शब्दों का चयन उस अधिकारी का ठीक नहीं है मतलब इसमें मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सख्ती करना तो उनका काम है लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है सारी सख्ती उपयोग की जाती है प्रश्न ये नहीं है कार्रवाई हो गया नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखेगा हम बाद में देखेंगे उनके उसमें कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए वो सारी जानकारी DGP कर रहे हैं और वो जो रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से हम करेंगे मैं ही कह रहा हूँ कि उसको उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे लेकिन सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी ये तो नहीं है सख्ती तो लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए थी अब आप यहाँ आए हैं अगर आपको किसी को कोई आपको सुरक्षित यहाँ पहुँचने ना देता तो आप ही कहते कि मेरा अधिकार आने का क्यों नहीं आने दिया गया
आज जो कॉल दी गई है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया, ना आपका इसमें रोल ना मेरा रोल, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं तो हम तो व्यवधान डालेंगे, मुख्यमंत्री को वहां नहीं जाने देंगे, क्या इसको आप ठीक मानते हैं? नहीं ना मानते, उसमें दोष आना आपका ना मेरा है, फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ये कितना कठिन होकर आना पड़ा। तो ये तो उनको समझाना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक तरीके से चलें, कोई बहुत बड़ा लाभ इस आंदोलन को इस प्रकार से चलाने का उनका नहीं हो रहा, ये मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि उनको लाभ नहीं हो रहा, उनको नुकसान हो रहा है, समाज उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आप जो जनमत लोकमत की बात करते हैं, मुझे भी पता है जनमत का, कि कल से मुझे जो फ़ोन आ रहे हैं कि इनको सख्ती से निपटो, अब हम चाहते नहीं, वो हमारे अपने लोग हैं, अपने लोग भी जब बिगड़ जाए, घर में बालक होता है वो भी तो घर का होने के बाद भी बिगड़ जाता कई बार, तो कोई घर का जो बड़ा होता है वो उस बालक को एक सीमा में तो उसके साथ व्यवहार किया जाता है ना, अब वो सीमा बदलती रहती है। एक सीमा ऐसी थी कि बाप जो है बेटे को थप्पड़ भी मारता था, लाठी भी मारता था और अच्छी सजा दे करके अंदर कमरे बंद कर देता था कि ये काम कर नहीं तब छोड़ूंगा नहीं तो नहीं। आज तो कोई माँ बाप ये नहीं कर सकता, आज तो ऐसी ऐसी कहानियां कोई माँ बाप बेटे के साथ कर दे, बेटा जाके मानवाधिकार में खड़ा हो जाता। तो ये समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं, इसमें कोई बहुत मुझे लगता है ये चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन ये वातावरण बनाने का काम है, हम और आप सब मिलकर वातावरण बनाएं, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है वातावरण बनाने में। अगर उस वातावरण को बनाएंगे कि लोकतंत्र की सुरक्षा ये सबका अधिकार है, राइट टू स्पीच सबका अधिकार है, लेकिन किसी के काम में हिंड्रेंस पैदा करना ये किसी का अधिकार नहीं है। मैं हवा में मुक्का चलाता हूँ, मानो ये करते करते यूँ करता हूँ और थोड़ा नज़दीक जा करके और यहाँ इनके नाक पर चला जाए तो मेरा अधिकार है क्या? इनके नाक को मुक्का नहीं मार सकता, मैं हवा में चला सकता हूँ। तो देर आर लिमिटेशंस ऑफ एवरी फ्रीडम, देर इज नो एब्सोल्यूट फ्रीडम। इस नाते से हमको सबको एक वातावरण बनाना चाहिए, लोकतंत्र में हर कोई अपना काम करे, प्रदर्शन करें, बोलें, भाषण दें, झंडा दिखाएं, उनका विरोध दर्ज कराएं, लेकिन हम किसी का काम, जब तक हमने भी इसलिए ठीक करो ठीक करो, वरना इन्होंने क्या नहीं किया, उसी स्थान पर जहाँ ये घटना हुई है उसी स्थान पर इन्होंने मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, वो घटना है ना, और मैंने उसको संभाला कि नहीं आज ऐसा वातावरण है मुझे अपना हेलीकॉप्टर उतारना ही नहीं है यहाँ, और मानो मैं कहता कि नहीं उतारो और पुलिस को आदेश हो जाते सख्ती से निपटो तो क्या होता उस दिन, कुछ घटना हो सकती थी ना। तो इसलिए हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हम जिम्मेवारी के नाते से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। हाँ उनकी तकलीफें हैं और वो तकलीफें कोई हरियाणा सरकार से नहीं है, उनकी तकलीफें मानो केंद्रीय कानून है, कोई भी बात करें तो समझ में आता है, लेकिन हरियाणा सरकार के नाते से उनका कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, और हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है, पंजाब के पत्रकार मित्र मित्र बैठे हैं, इसमें पंजाब के सरकार के लोगों का हाथ है, वरना राज्यपाल जाकर के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से लड्डू खिलाते हुए नहीं दिखता। मैं कुछ कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ, चलिए।